हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा सिंपल, इजी और बहुत डिलीशियस है। इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो देखते हैं अपनी इस डिलीशियस एंड हेल्दी रेसिपी को। सबसे पहले स्वीट पोटैटो या शकरकंदी को बॉयल कर लेंगे और इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। शकरकंदी को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है और शकरकंदी के जो पीसेस हैं वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़े या छोटे, जैसे भी आप रखना चाहें। इसी तरीके से कट कर लेंगे इसको। अब फ्राई करने के लिए कढ़ाई में देसी घी लिया है। देसी घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। घी गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें, एक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको और जो हमने पीसेस कट करके रखे थे शकरकंदी के वो भी इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। इससे क्या होगा, ये बाहर से क्रंची हो जाएगी और अंदर से सॉफ़्ट रहेगी। आप देख सकते हैं ये बाहर से कितनी अच्छे से सिक गई है। आपको भी इसी तरीके से सेंकना है इसको। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करेंगे, हाई फ्लेम से क्या है इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसमें। 4-5 मिनट तक इसको ऐसे ही सेंकने के बाद में सूखे मसालों में थोड़ा सा, ये मैंने गरम मसाला डाला है, ये मैगी मसाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा ये धनिया पाउडर है, थोड़ा सा ये काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ये ऑरिगेनो ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा सा ये चाट मसाला है, इसको भी डालेंगे, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़े से ये चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पे सूखी लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। इसी तरीके से इनको अभी 3 से 4 मिनट तक और सेकेंगे जिससे ये एकदम क्रंची हो जाएंगी। ये देखिए आप, कलर कितना अच्छा हो गया है और ऊपर से एकदम क्रंची हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसी तरीके से इसको अच्छे से सेंक लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये नींबू का रस डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ी सी ये कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे कि देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसको आप बहुत इजीली 5 से 6 मिनट में तैयार करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। इस फ्राइड शकरकंदी की रेसिपी को गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं देखने में भी कितनी अच्छी है और स्वाद में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं या चाय चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितनी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।